हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ संदीप और आप देख रहे हैं हमारे चैनल टेक्निकल बाय संदीप। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कार्बोरेटर की ओवरफ्लो की। कार्बोरेटर जब ओवरफ्लो करती है कैसे उसे ठीक करते हैं, तो आपको सबसे पहले दिखा दूं कि ओवरफ्लो कैसे कर रही है। तेल हमने ऑन कर रखा है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें तेल बूंद बूंद करके नीचे गिर रही है। तो इसमें क्या होगा कि जो फ्लूइड पिन होती है उसकी सीट कट जाती है या उसमें अदर प्रॉब्लम आ जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें अब इस वीडियो में कवर करेंगे। तो फटाफट पहले इसको हम खोल लेते हैं, कार्बोरेटर खोल के बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद हम आपको आगे दिखाते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आई है। हमने इसका कैप खोल दिया। अब देखिए इसमें जो फ्लूइड पिन पे जो पैकिंग लगती है वो पैकिंग लग चुकी है ऑलरेडी, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं। मैं आपको निकाल के दिखा दूं। देखिए इसमें दोनों साइड पैकिंग लग चुकी है, यानी कि इसमें पूरी तरह से व्यवस्था कर दिया गया है कि इसका ओवरफ्लो मतलब बनाने के लिए, फिर भी ये सही नहीं हुई है। अब इसमें देखते हैं फॉल्ट कहाँ से है और इसका रुका के भी दिखाएंगे, इसका तेल बंद करके मतलब इसका तेल ओवरफ्लो नहीं होगा, ये सारी चीज़ दिखाएंगे। तो आप इसमें फ्लूइड पिन देखिए, इसमें कट गई है फ्लूइड पिन। शायद आपको अच्छी तरह से स्पष्ट ना दिखे पर इसकी फ्लूइड पिन में बाबरी बन गई है। और इसमें सीट में आप देखिए इसमें गंदगी भरी पड़ी है, इसको ग्रीन करना पड़ेगा, ठीक है। और ग्रीन कैसे करते हैं ये सारी चीज़ें इसमें बताएंगे। कौन सी पेस्ट लगा के इसमें ग्रीन करते हैं सब दिखाएंगे। उससे पहले ये दोनों जो हमारी स्लो जेट और मेन जेट है उसको खोल लेते हैं, पायलट जेट और मेन जेट को खोल के निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें इसी अच्छी तरह से धुल के इसकी सफाई करनी है। आरपीएम स्क्रू और एयर स्क्रू दोनों को खोल के बाहर निकाल लेंगे। आप इसमें देखेंगे एक वो स्प्रिंग होती है, फिर एक वार्सल, फिर उसके पास एक ओरिंग। वार्सल लोहे की होती है, ओरिंग ये वाली निकल गई, ठीक। जब ओरिंग कट जाती है तो हमारी गाड़ी में एवरेज की समस्या आती है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं इसकी ओरिंग थोड़ी कटी पड़ी है, देखिए हल्की सी। तो हम इसको हल्की कट करके मतलब जो ऊपरी साइड है उसको निकाल देंगे। देखिए हमारे पास जो पेस्ट है इसमें ये पतली वाली है और ये मोटी वाली है, ठीक। तो मोटी वाली हम नहीं लगाएंगे इसमें। कभी भी आप ये ध्यान दें कि जब भी कार्बोरेटर को ग्रीन करें तो हमेशा पतली वाली पेस्ट ही लगाएं। मोटी वाली पेस्ट लगाने से हमारी सीट कट जाती है, फैल जाती है, जिससे कि क्या होती है ओवरफ्लो की समस्या जल्दी आने लगती है। और पतली वाली से जब ग्रीन करेंगे पेस्ट से, तो उसमें क्या होती है जो केवल डस्ट होती है उसको बस काटती है, और मोटी वाली से करने पर उसकी सीट कटती है। तो इसीलिए हमेशा पतली वाली पेस्ट से ही ग्रीन करें, इससे केवल इसमें जो डस्ट होती है हल्की हल्की जो मैल सी जमी होती है उसको काट के बाहर निकाल देगी, जिससे हमारी सीट पर एकदम क्लियरिटी आ जाएगी और उसमें ओवरफ्लो की कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए इसको फटाफट कर लेते हैं, फिर दिखाते आगे। पेस्ट के साथ पेट्रोल भी लगाया करें ताकि उस मुथली में घूम सकेगी, वरना उसमें फंसेगी बार बार, जो सीट जो ग्रीन कर रहे हैं तो फंसेगी, ठीक है। इसमें ग्रीन आपको सिर्फ बस मुश्किल से 2 से 3 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट तक इसको ग्रीन करना है, उतना में इसकी सीट क्लीन ही हो जाती है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, उसके सीट को क्लीन कर चुके हैं, अब हम इसका कार्बोरेटर को अच्छी तरह से धुल लेते हैं। कार्बोरेटर धुल के फिर आपको दिखाते हैं कि उसको फिटिंग कैसे करनी है, सारी चीज़ों को अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। उसकी जो मेन जेट और जो पायलट जेट है उसको भी अच्छी तरह से उसमें देख लेंगे कि कोई मतलब कड़ तो नहीं इसमें, उसकी पूरी होल खुली होनी चाहिए। अब बारी आती है इसकी फिटिंग की, तब इसमें हम सेट करेंगे। जो मेन जेट होती है 7 mm की, अगर 7 mm की गोटी से भी उसको टाइट कर सकते हैं, पायलट जेट को इसको ड्राइवर से खोलने पड़ते हैं, ठीक है। अब इसमें हम नया फ्लूइड पिन डालेंगे, ठीक है। इसकी फ्लूइड पिन कौन दिखा रहा है, भले इसमें एक फ्लूइड पिन देती है और इसके जो कैप होती है जो साथ में वो वाली देती है, ठीक। इसकी पार्ट नंबर आप देख सकते हैं,
जैसे क्लियर हो गया, पार्ट नंबर 36DU1205 है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि सीट ज़्यादा कटने की वजह से इसमें नया फ्लूट पिन होने के बाद भी हमें इसमें एक पैकिंग छोटी सी मारेंगे, जिससे क्या होगी कि हमारी समस्या काफ़ी दिन तक नहीं आएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम उसमें एक पैकिंग और न्यू फ्लूट पिन, ठीक है, उसमें लगा के फिर उसको हम फिटिंग करेंगे और उसमें हम पिन डालेंगे जैसे कि हम खोलते वक्त किए थे, सेम उसी प्रोसेस को करनी है। अब देखें इसमें एक चीज़ और चेक करनी होती है, जैसे कि हम इसमें दबा कैसे चेक कर रहे हैं, तो आप ये चेक कर लीजिए कि मतलब इसमें दब रही है कि नहीं। अगर दबेगी नहीं तो इसका मतलब समझ लो कि टाइट हो गया है पैकिंग जो आप डालते हैं उसमें। तो अगर पैकिंग डाल दिए उसमें अगर पुश नहीं करेगी तो इसका मतलब तेल पास नहीं करेगी, मतलब टैंकी से जो तेल कार्बोरेटर में आती है वो नहीं आ सकती, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है कि जब एयर स्क्रू जो है उसमें एक स्प्रिंग, फिर एक वार्सल, फिर एक ओरिंग, ऐसे तीन चीज़ लगा के फिर इसको फिट करेंगे। क्या क्या चीज़, पहले एक स्क्रू, सॉरी पहले एक स्प्रिंग, फिर एक लोहे की वार्सल, फिर एक ओरिंग जो काली सी रबड़ होती है उसको, इन तीनों का ऐसे सेट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको सेट कर लेते हैं, फिर हम आगे दिखाते हैं आपको। ड्राइवर दो स्क्रू ड्राइवर, अब इसको बाइक में फिट करते हैं, उसको हम आपको दिखाते हैं कि इसमें मतलब पेट्रोल रिसाव कर रही है कि नहीं, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है पर आपको एकदम क्लियर बताएंगे, मतलब इसमें कोई एडिटिंग नहीं रहेगी कि हाँ कि अगर ओवरफ्लो करे तो बाद में कट करके हमने लगा दिया, इसी कोई इसमें चांस नहीं होगी, ठीक है। इसमें पैकिंग कैसे डालनी, एक तरफ फोरिंग है, ठीक है, ये पड़ेगी हमारी जो हेड की फ्लेंच है उसमें, और ये जो फ्लेंच सरफेस है वो कार्बोरेटर की तरफ चली जाएगी, ठीक है। ओरिंग वाला हमेशा फ्लेंच की ओर रहनी चाहिए, हेड की जो पाइप होती है उसकी तरफ, ठीक है। इसको हम लगा के फटाफट टाइट कर लेते हैं। देखिए पेट्रोल हमारी गिर रही है, हम इसको लगाए, पेट्रोल ऑन कर दिए, ठीक। अब हम आपको दिखाते हैं कि इसमें रिसाव कर रही है कि नहीं, उससे पहले हम आपको ड्रेन स्क्रू से दिखा देगा इसमें कार्बोरेटर में तेल आ रही है, ठीक, कार्बोरेटर में तेल आ रही है। अब हम इसको अच्छी तरह से पोंछ देते हैं, उसके बाद हम देखते हैं इसमें कि एक भी बूंद रिसाव कर रही है कि नहीं। अगर वीडियो में कुछ सीखने लायक मिली तो यार हमारे चैनल सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए, ऐसे ही पर टेक्निकल वीडियो लाते रहेंगे। एक बार और मैं आपको दिखा दूं, उधर थोड़ा दिखा दीजिएगा कि हमारी तेलान है, देखिए तेलान है, यानी कि हमारी तेल इसमें जा रही है कार्बोरेटर में, और यहाँ से देखिए कोई रिसाव नहीं है, ठीक है। अब इस तरह से अगर हम रिसाव दिखाने लगे तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, इसीलिए कि आप यकीन कीजिए, आप इस तरह अगर इसमें ग्रीन करके अगर फ्लूट पिन न्यू डालते हैं तो उसमें काम कर जाएगी। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार हमारे चैनल सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, धन्यवाद।